आवाज इधर आवाज लगाई, बाज वैश्या पर टूट पड़ते हैं, तो वैश्या वहां से भाग जाती है। ब्राह्मण ब्राह्मणी रानी तारा को खरीदने के लिए आए हैं, कहा कि महात्मा जी इस स्त्री और इस बच्चे की कीमत क्या है। बोले ज्यादा नहीं 40 भार सोना। आज 40 भार सोना देकर के रानी तारा पुत्र रोहिदास को खरीद लिया है। काफी लंबी भीड़ लगी हुई है। कालू मेहतर ने देखा यहाँ क्या हो रहा है, पास में पहुंचे, भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंचे हैं। कहा कि ये इस पुरुष की कीमत क्या है। बोले 20 भार सोना। कालू मेहतर बोले देखो महात्मा जी हम खरीद तो लेंगे लेकिन आपको हमारे यहाँ पर मरघटिया का काम करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बोले अगर आपके यहाँ मरघटिया से भी कोई घटिया काम हो तो उसे भी हम करते रहेंगे लेकिन खरीद लीजिए, महात्मा जी का कर्ज अदा कर दीजिए। 20 भार सोना देकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया। आज रानी तारा पुत्र रोहिदास को लेकर के आगे बढ़ी है। हरिश्चंद्र जब चले हैं तो कहा धर्म के पीछे हम लोग अलग अलग हुए हैं, कभी भी धर्म को पीठ मत देना। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ जिसने खुद अपने हाथों से अपने पुत्र और पत्नी को बेचा हो, ऐसा मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अपने हाथों से अपनी पत्नी पुत्र को बेच रहा हूँ। कि जाओ नर मरते मरते नारी को नहीं बेचते हैं, वे ऐसे नरवर हैं जो सब मर्याद मेटते हैं। तुम जहाँ रहो वासुकी रहो, अरे याद हमारी करियो ना, हम धर्म के पीछे बिछुड़ गए अब धर्म को पीठ दिखाइयो ना। धर्म के पीछे हम लोग अलग अलग हो गए हैं, धर्म को कभी भी पीठ मत देना। रानी तारा जब काफी दूर निकल जाती है, तारा बोली है महाराज हमारे पास तो कुछ और नहीं बचा, केवल यही धन था वो भी आज हमसे दूर जा रहा है। तारा बोली है कि जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के हरिश्चंद्र पहुंचे हैं और ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर पे रानी तारा रोहिदास पहुंचे हैं। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के लिए एक दुकान नियुक्त की है, कहा कि सुबह हो काशी की गलियों में झाड़ू लगाओ, उसके बाद भोजन करने के लिए बैठोगे। जैसे ही सवेरा होता है काशी की गलियों में झाड़ू लगाते हैं, भोजन करने के लिए बैठे, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। हरिश्चंद्र अरे भोजन करने के लिए जा रहे हो, हम भी आ रहे हैं। भिखारी का रूप बनाया, कहा कि आज 7 दिन हो गए हैं और हमें भोजन नहीं मिला, हमें भी भोजन करवा दीजिए। हरिश्चंद्र ने अपना भोजन लिया दे दिया। दूसरा दिन हुआ, बिल्ली का रूप बनाया, सारा भोजन खा गए।
हरिश्चंद्र ने विचार किया, जब हमारी किस्मत में भोजन ही नहीं है तो भोजन करना व्यर्थ है। आज हरिश्चंद्र ने भोजन करना ही छोड़ दिया। कभी गर्मी कभी सर्दी मौसम के नजारे हैं, कभी रजाई से बड़ा प्रेम हो जाता है, कभी रजाई से बड़ी घृणा हो जाती है, कभी उन महलों की सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरे। आज दिन हो जाता है काम करते करते भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, बड़ी बुरी दशा हो गई है।
का खबाए दवाज फिर हमें मुझे मालम पत्या आशीष भैया तुम रिश्तेदारी तो नहीं भाई रे